लेट मी इंट्रोड्यूस सबसे आपको तो गाइस हम मौसी के आए हुए थे तो ज्यादा दूर नहीं था यहाँ से, पापा की बुआ जी के घर पे भी अभी हम जाने लग रहे हैं सहारनपुर। यहाँ पे कोई सा मेन चौक है ये, इधर कोई अगर सहारनपुर को बताइए कौन सी जगह है। और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, उसके बाद अभी घर जाएंगे। पिताजी थोड़े फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, एज यूजुअल सबके यहाँ पे होता होगा कि फ्रूट्स वगैरह का ऐसे एक्सचेंज होता है। तो अभी चलते हैं, शाम तक हम वापस मौसी के घर पे जाएंगे, देखते क्या प्लान रहेगा उसके बाद। One hour later. तो गाइस आफ्टर डेढ़ घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंचे यहाँ सहारनपुर में। इस टाइम पे हद से ज्यादा भीड़ थी, परेशान हो गए लेकिन पहुंच गए। और सबसे बढ़िया चल रही है, और सबसे बढ़िया चीज हमारे खुए भाई मिल गए कहीं, पता नहीं कितने सालों में, पर मिल गए। बहुत छोटे छोटे थे हम, इकट्ठे फुटबॉल खेलते थे, कंचे भी खेलते थे, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, तो ये हमारे भाई आकाश हैं। सो वी मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन दिस ईयर। तो अभी चलते हैं, आपको फूफा जी और बुआ जी से भी मिलवाते हैं। जिंदगी के सारे सुख कर्म जी यही ले रहा है। हाँ भाई कल सॉरी ब्रो। भाई देख रहा था काट लेता। मानता भाई बात मानता। आकाश पीछे आ रहा है वो, भागो। ये बात तो भाई सही कर दी तुमने। सबुआ जी हाय कर दो। हाय। आप बताओ, आप बताओ। कॉलिंग फॉर तभी हम चाय पीने जा रहे हैं। टीपी फॉर अस। सब्सक्राइब फॉर मोर। सब्सक्राइब फॉर अनदर रेसिपीज एंड गेट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस सबसे आपको। अरे फूफा जी, मम्मी को तो जानती हो आप, ये इनके छोटे बेटे हैं, ये बुआ जी, और ये तो जानती हो। पिताजी तो रेस्ट कर रहे हैं, पिताजी आ गया। चलिए हम मिल गए, हमने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। मोहल्ला मोहल्ला इंट्रोडक्शन दिया नहीं है। किस नाम से है? केशव अंचलस। सब्सक्राइब तो करवा ले फिर पापा से। चलो फोन निकालो, चारों के चार आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सो सब बैठे हुए नीचे की तरह, हम ऊपर आ गए यार। लेकिन मैंने देखा भाई साहब जो यहाँ पे ना फूफा जी ने जो गार्डनिंग कर रखी थी ना भाई साहब, वो भी बढ़िया। इस साइड भी लगा रखे हैं, ये आपको बता गया एक एक चीज करके। चल भाई लिटिल गार्डन, यू कैन से दैट इट इज आवर। हां ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज आवर मनी प्लांट। बल्कि जैसे मनी ना तो बोले मनी प्लांट हमने नाम रखा हुआ है इसका ना। हां ठीक है। ए पैसे तोड़ती है भाई अंदर। नहीं क्या पता 200 क्या रहे है इसमें। 200 200 गया है। 10 करोड़ टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। अभी ना हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। चलो तो ऊपर बहुत बड़ा गार्डन है, यहाँ पे आपको गार्डन भी दिखा देते। इधर है भाई, ये कौन सा है? ये तो डैडी को पता है। ये हमारे वैरायटीज हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो ये हमारा एक तरह का अनदर लिटिल गार्डन, जिसको देखने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो भी आपको आज मार्केटिंग सिखाएंगे। मार्केटिंग, हाँ, इस दैट्स कॉल्ड प्लांट मार्केटिंग। ठीक है भाई, ये मेरा फेवरेट है। दिस इज कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट। इसकी वैरायटी होती है, ये एक तरह की वो होती है, एबिलिटी होती है कि हम इसको टच करने के बाद अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। Yes, that's our main special things in this plant. ठीक है। बताएं इनका स्टाइल कैसा लगा है? बगीचा मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप बताइए कमेंट करके। तो भाई जिसको जिसको भी तोरी खानी है ना भाई, आओ और ले जाओ। ये तोरी की बेल है, ये भी टेलर है, पिक्चर आना भी बाकी है। ये तो चिड़िया का घोंसला लग रहा है बिल्कुल। नहीं यहाँ पे रेंट पे आती है। अच्छा रहने आती है ना, 2 महीना किराया देके जाती है फिर। ठीक है, तो यहाँ से व्यू देखो, पहाड़ दिखते हैं। अभी तो बादल है इस साइड, बादल है अभी तो कुछ दिख नहीं रहा इधर, पर पहाड़ दिखते हैं।
रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए जरूर पानी की एक कंटेनर पानी जरूर रखें, क्योंकि इन पक्षियों को गर्मी में बहुत जरूरत होती है पानी की, जिसके कारण वो अच्छा सर्वाइव कर पाए, अच्छा अपनी हेल्थी लाइफ जी पाए। तो हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं जिससे हम एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, हम अपने पक्षियों को अच्छी हेल्दी और अच्छी लाइफ सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है आकाश ने, क्योंकि यार अब धीरे धीरे ना चिड़िया, पहले बहुत थी गांव में, जब हम जाते थे तो चिड़िया बहुत रहती थी, अब चिड़िया बिल्कुल एकदम ऐसे ना गायब होती जा रही हैं। तो आपसे मैं एक बात कहूं, जो एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, हां बिल्कुल, हम नहीं चाहते हम उस तरह का अक्षय कुमार दोबारा आए, पक्षी राजन वो मोबाइल छीन लिया हमारा, नहीं वो तो काल्पनिक था, पर हाँ ऐसा समथिंग कुछ हो फिर हम वो लोग नहीं कर पाएंगे, आप उसने मोबाइल छीन लिया तो आप नहीं चाहते ऐसा कुछ आए, हमें बजी करने बनना पड़े फिर भाई मैकेनिकल है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये रोबोटिक्स कर लेगा अगले साल, ये रोबोटिक्स कर लेगा, ये मैकेनिकल में बायोटेक करके मीडिया नहीं बदल दूंगा दोनों का, ठीक है। हमें बहुत लग रही उस टाइम, और अभी घर के लिए भी निकलना है, मुझे ही घर के लिए मुजफ्फरनगर वापस से, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने घर पे, वहाँ पे आज रात का स्टे करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे पे 4-5 घंटे और गाड़ी नहीं चलेगी, मेरे को उल्टी नींद आ रही है, मतलब उल्टी के हुआ नहीं, मतलब नींद ज़्यादा आ रही है, तो कोई बात नहीं, अभी हम थोड़े फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, चलो। पूरा नाम बता, बाय बोल दो, बोल दे लाइक सब्सक्राइब शेयर, हक दिया जी। तो नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं घर पे, मौसी बाय बाय बाय, चलो मम्मी बाय ब्रो, चल घर, चलो निकलते हैं अभी घर की तरफ, और लेट्स गो। 3 hours later सो गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं, 4 बज चुके हैं, और अभी आते ही पौधे लगाने चालू कर दिए हैं, बढ़िया मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाएगी पूरे घर में, पर अभी लोग कहीं ख़त्म करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा देना, और मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। ये तो एक छोटी सी जर्नी थी, एक पार्ट था, एक फैमिली का हिस्सा था, ये आपको दिखाने की कोशिश करी, और इससे ज़्यादा आपको और भी मिलेगा, अगला व्लॉग जल्दी मिलेगा आपको, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब टू माई चैनल, वरना लूज मोशन लग जाएंगे। हमारा दर्द है अभी मैं कुछ बना नहीं, शायद मैं सपनों के लिए कभी लड़ा नहीं, गिर जाएगा वो ख्वाहिशों का घर मुझ पे ही, अगर मैं आज अपने बिस्तर से उठा नहीं, कोशिश करूंगा बस कल से बेहतर बन सकूं, अगर फिसल गया तो खुद ही मैं संभल सकूं, गवाऊं वक्त ना वो बीती बातें सोच कर, कभी रुकूं ना चाहे धीमे ही कदम चलूं, मेरी तरह के तुम भी खुद को ही तराशते, वो गुजरे वक्त की क्या गलतियां सुधारते, हम महफिलों में अपनी खुशियां सारी बांट के, क्या तुम भी रातें सारी तन्हाई गुजारते।